हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कंचन और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं बिहार का बहुत ही फेमस रेसिपी, ठेकुआ की रेसिपी। इसे खजूर भी कहते हैं और ये छठ पर्व का मेन प्रसाद होता है। खाने में बहुत ही टेस्टी और खास्ता लगता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और 8 से 10 दिन तक भी ये ख़राब नहीं होता है। इसे हम सभी त्योहारों में बनाते हैं। सबसे पहले ठेकुआ बनाने के लिए यहाँ मैं 2 कप आटा ले रही हूँ। ये गेहूँ का आटा है। अब इसमें डाल रही हूँ 1/2 कटोरी सूजी और इसी के साथ डाल रही हूँ 1/2 कटोरी घी। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। दोनों हाथों से अच्छे से मिलाएंगे लगातार चलाते हुए। इसे मसल मसल कर अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, ये मिक्स हो गया है। तो अब डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और 1/2 कटोरी चीनी। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं या चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। अब डाल रही हूँ थोड़ा सा काजू कटा हुआ और किशमिश, और अब डाल देंगे 1/2 कटोरी नारियल का बुरादा। यहाँ पर सूखा नारियल भी कट करके डाल सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। अब मैंने यहाँ पर 1/2 कप दूध लिया है। दूध या पानी कोई भी ले सकते हैं। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आटे में मिलाते जाएंगे। यहाँ पर हमें सख्त आटा गूंदना है ठेकुआ के लिए। जितना दूध लगेगा उतना ही डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो इसे इस तरह चेक करेंगे, अगर मुट्ठी में लड्डू की तरह बन जा रहा है तो इतना ही आटे को गूंदना है। जितना आटा टाइट रहेगा उतना ही कुरकुरा हमारा ठेकुआ बनेगा। तो अब यहाँ पर जितना छोटा बड़ा ठेकुआ बनाना है उतना साइज का एक टुकड़ा लेंगे और उसे इस तरह गोल या ओवल शेप देंगे। इसे हम हाथों से दबा देंगे और अपने पसंद का कोई डिजाइन बना देंगे। अगर इसका साँचा है तो साँचे पर बना लेंगे, अगर साँचा नहीं है तो फोक से इस तरह बना लेंगे। बहुत सुंदर डिजाइन बन जाता है। ये देखिए, इस तरह हम सारे ठेकुए को रेडी कर लेंगे। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर घी गरम हो चुका है तो एक एक करके ठेकुए को डालेंगे और ठेकुए को हमें लो फ्लेम पर फ्राई करना है। लो फ्लेम पर फ्राई करने पर ठेकुआ खास्ता बनता है। एक तरफ से ठेकुआ फ्राई हो जाए तो पलट देंगे। बहुत ही सावधानी से पलटना रहता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है
इसे पलट पलट कर अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ठेकुए का कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ठेकुए में क्रैक आ गया है, इसका मतलब ठेकुआ खास्ता और नरम बना है। देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये तो चीनी का बना हुआ ठेकुआ है, आप चाहे तो गुड़ से भी बना सकते हैं। इसी तरह सारे ठेकुए फ्राई कर लेंगे। ठेकुए को तलते वक्त ध्यान देना है कि लो फ्लेम पर ही तलना है, जिससे हमारा ठेकुआ एकदम खास्ता बनेगा। ठेकुआ को हम ठंडा होने देंगे। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये खास्ता होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।